तस्वीरों में मालाओं के लिए लड़ती झपटती ये भीड़ वास्तव में स्थानीय नेताओं की है। दरअसल मौका था एक लंबे अरसे के इंतजार और जद्दोजहद के बाद मीलगेट रोड के निर्माण का, जिसके शुभारंभ पर नारियल फोड़ने के लिए स्थानीय नेताओं की भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिनमें नारियल फोड़ते ही फूलमाला पहनने और पहनाने के लिए मानो होड़ लग गई। और इसी होड़ में कुछ लोग महज एक माला के लिए अब आपस में उलझते हुए भी नजर आए। बात इतने पर खत्म होने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने 10 दिनों से इंजन पर बैठे जितेंद्र शुराण के नाम का जयकारा लगा दिया, जिस पर स्थानीय नेताओं की भीड़ फिर से बिफर गई। चलिए आपको भी दिखाते हैं आज के इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। भाई साहब, ये गलत बात है, ऐसा ना करो। देखो ये कोई प्रश्न नहीं है किसी का, ये कोई तरीका थोड़ी है। इसी नारियल का एक हिस्सा जो है यहाँ पर पहुँच गया है उन्हीं शख्स के हाथ में जो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे इतने दिनों से। अभी भी मैं वहाँ जहाँ नारियल फोड़ा जा रहा था वहाँ मौजूद थी। कुछ नारे आपके नाम के भी लगे, भाई 10 दिन से भूखे तो आप ही बैठे थे। तो कुछ लोगों ने बोले ना ना, उनके नाम के नारे ना लगाओगे, क्या कहोगे? तो कोई बात नहीं, जो लग गए उन्होंने सुन लिए, जब बंद हो गए जी, कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब आपको कोई नाराजगी नहीं है, भाई लगाने दो तो ठीक है, ना लगाने दो तो भी। प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है। 10 दिन से आप भूखे बैठे हो, अभी भी ये बात दोबारा से जो है दोहराई गई है कि भाई ये तो सिर्फ राजनीति है, बैठने से वाले थे तो 4 साल पहले बैठते, 6 महीने पहले बैठते, 1 साल पहले बैठते, आखिरी टाइम में क्यों आके बैठे? ये देखिए जलवान साहब, दिखा दीजिए घुमा करके, कितने दिनों से लगे हुए हैं, पिछले 1.5 साल 1.5 साल से लगे हुए हैं। तो एक ही दम किसी के जाके सर फोड़ देंगे किसी का, या अमरनसन में बैठ जाए? अच्छा। रूटीन की प्रक्रिया चली है, हर बार उनको अल्टीमेटम दिए हैं। हाँ। ये लास्ट का हमारा अल्टीमेटम था, और भी संगठनों ने कई धरने चलाए हैं, उनको भी हमने सहयोग किया है। अच्छा, धरनों से याद आया, एक धरना यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ 100 मीटर की दूरी पे लगा हुआ है, एक ही मुद्दा एक ही मामला, फिर धरने दो क्यों? वो भी हमारे ही भाई हैं, वो भी रोड के लिए बैठे हैं, हम तो उनकी भी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। अच्छी बात है। तो एक ही टेंट में क्यों नहीं, अलग अलग जगह पे क्यों? क्योंकि वो उनको 2-3 घंटे का धरना चलाना होता है, हमारा ना अमनसन में रात को रहना पड़ता है, वहाँ रोड की सेफ्टी इश्यू है, यहाँ रोड थोड़ा सेफ रहने के लिए रात को वहाँ रोड के ऊपर कोई हाथ बैग जाए ड्राइवर का तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चलो ठीक है। पीछे ये रोड बनाया गया था, इसकी लायबिलिटी पेंडिंग थी, तो जैसे ही लायबिलिटी खत्म हुई तो सरकार ने, हमारे स्थानीय विधायक और मंत्री जी ने अपने स्पेशल विधायक कोष से, मतलब कि इसका 9 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया। आज शुरुआत हो गई है, पर बनने के कितने दिन में बन जाएगी, क्या एस्टिमेट आप लोगों ने लिया कि कब तक बन करके? देखिए देखिए, जो डीनाइटी है, डीनाइटी के अंदर सारी बातें मेंशन होती हैं, कब शुरू करेंगे, कितने दिन में बनाएंगे, लेकिन ये जो रोड है ये पूरे शहर के और आसपास का जो देहात के गांव 15-20-30 जो गांव लगते हैं उन सब से जुड़े मुद्दा था जी। तो आपके प्रयास भी लगातार बना रहा है जी, जी। ये पूरे के पूरे जो भी कार्रवाई अब तक हुई है उसका लेटर मेरे पास है, हम वो भाई जो धरने में बैठे उनके पास गए भी थे, मैंने स्पेशल आदमी भी हमने भेजे, तो उसमें ये था कि भाई ऑलरेडी काम प्रोसेस में है और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं थी जी। आपका प्रयास और हम सब का प्रयास की वजह से आज ये काम शुरू हुआ है और इसको निरंतर चालू रखेंगे और जल्दी से जल्दी इसका पुनर्निर्माण करके लोगों को समझ पाएंगे। सर, तमाम पार्षद साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं या फिर काफ़ी नेता या गणमान्य लोग शहर के मौजूद हैं, लेकिन जो भूखे बैठे हैं कई दिन से भूख हड़ताल पे, वो नज़र नहीं आ रहे, क्या उन्हें बताया नहीं गया अभी तक क्या कि भाई है जी, क्या उतनी ताकत उनके अंदर है यहाँ आने की? वो वहाँ बैठे हैं, वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, तो अब जाएंगे, हम सब मिलके जाएंगे, सभी पार्षद साथी भी।